हैदराबाद हवाई अड्डे पर एक इंडिगो प्लेन यात्री सेफ के टायर फट पर दहशत। हैदराबाद एयरपोर्ट पर देर रात उतरने के दौरान इंडिगो विमान के टायर के बाद यात्री सुरक्षित रूप से निकल गए थे। बुधवार की रात 11:25 बजे हैदराबाद हवाई अड्डे पर उतरने के दौरान उनके विमान के टायर के बाद एक इंडिगो फ्लाइट में 70 के साथ लोग तनावग्रस्त क्षणों का सामना कर रहे थे। सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से खाली कर दिया गया था। इंडिगो फ्लाइट तिरुपति से हैदराबाद तक यात्रा कर रहा था। इंडिगो ने एक बयान में कहा, हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतरने के दौरान तिरुपति से हैदराबाद के ATR विमान द्वारा संचालित उड़ान 6-7117 को टायर फट गया था। 72 यात्रियों और एक शिशु और 4 चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। आग से लड़ने वाली टीम विमान के लिए रवाना हुई, क्योंकि चेतावनी के ग्राउंड स्टाफ ने टच डाउन के तुरंत बाद स्पार्क्स देखा। पायलट ने यात्रियों को शांत रहने के लिए सलाह दी और बैठकर उन्हें आश्वासन दिया कि कुछ गंभीर नहीं है। कुछ यात्रियों ने कहा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के सूत्रों ने बताया कि कुछ उड़ानों को बेंगलुरु और चेन्नई में ले जाया गया, क्योंकि इंडिगो विमान रनवे पर फंस गया था, जिसे कुछ घंटों के लिए बंद करना पड़ा था। अभिनेता और YSR कांग्रेस सांसद रोजा उस इंडिगो उड़ान पर थे। एक और इंडिगो उड़ान 6-7204 बेंगलुरु से विजयवाड़ा तक कल रात विजयवाड़ा में लैंडिंग के दौरान रनवे से उतर गई। इंडिगो ने पिछले नवंबर से अपने बेड़े में ATR विमानों को शामिल करना शुरू कर दिया था। एयरलाइन अपने नव विमानों पर अपने PNW इंजनों के साथ पहले से मुकाबला कर रही है, जिनमें से 11 दो हफ्ते पहले नियामक द्वारा लगाए गए थे। 16 मार्च को टूलूज से नई दिल्ली तक की इंडिगो की पहली उड़ान का एक नया PNW इंजन संचालित ATR विमान निरस्त कर दिया गया था और कम तेल के दबाव के कारण फ्रांसीसी सुविधा में लौटना पड़ा। एक बयान में एयरलाइन ने कहा, इंडिगो ATR 72-600 को टूलूज से भारत में ले जाया जा रहा है। बोर्ड पर कोई राजस्व यात्रियों के साथ नहीं, तकनीकी कारणों से टूलूज लौटा। विमान सामान्य चेतना के अनुसार चेक की जांच करेगा और कार्रवाई करेगा। नए हवाई जहाजों को वितरित करते समय